जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, जब हम बात करते हैं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने की, कहीं ना कहीं हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अगर हम उन्हें सबसे बेस्ट गिफ्ट देना चाहते हैं तो पता है क्या है? वो है उन्हें सही अच्छा समय वक्त उनके साथ बिताना। उनके साथ वक्त बिताइए, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें शेयर कीजिए, क्योंकि वो जो वक्त होगा ना, वो आप उनसे कभी वापस नहीं ले पाएंगे, वो उनकी ज़िंदगी की यादों में जुड़ जाएगा। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रेम बसंत जी। ओम शांति। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू भाई जी। पिछले कड़ी में हम बात कर रहे थे रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की, जिसमें हमने डील किया था पेरेंट्स के साथ, हमने खुद के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था, हमने भगवान के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट किया था। आज हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल रिलेशनशिप्स की। ऑफिस प्लेस में जब हम बात करते हैं रिश्तों की, तो वो कितने इम्पॉर्टेंट है आपके हिसाब से? वो वहाँ का माहौल क्रिएट करने के लिए कितना ज़रूरी है उनके साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट करना? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कलेक्शन ऑफ पीपल है जी, और कलेक्शन ऑफ पीपल का अर्थ है कलेक्शन ऑफ माइंड। हर कोई अपने माइंड सेट से आ रहा है, करेक्ट, और हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, तो हर एक कोई का ईगो भी अलग अलग है, पोजीशन भी अलग अलग है, और काम भी कराना है। तो ऑफिस का माहौल जो होता है इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट दोनों है। ओके। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इंटर डिपार्टमेंटल में संबंध अच्छे रहेंगे, तो जो वर्क का फोर्स है वो नेचुरल रहेगा, इजी रहेगा और फास्ट होगा जी। और बहुत ज़रूरी है, और उसका मेन आधार है कम्युनिकेशन हर एक का दूसरे से। हम लोगों ने पहले किया ही कि हमारा खुद से अच्छा है तो दूसरों से भी अच्छा होगा जी। तो जब ऑफिस में आए हम सब एनर्जी लेकर आए, करेक्ट, हर व्यक्ति अगर एनर्जी लेकर आएगा तो ऑफिस का वातावरण एक एनर्जेटिक होगा, पॉजिटिव होगा, और फिर कोई भी किसी को कुछ सजेशन दे रहा है, कमेंट, कुछ सुझाव दे रहा है, वो पॉजिटिव होगा, उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि ऑफिसेज में हमें ये ज़्यादा देखा है कि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाती है लाइफस्टाइल। 9 to 5 जाना है, वही सेम काम करना है, फिर से फिर घर आना है, फिर से वही रूटीन, एक एक साइकिल की तरह चलता जा रहा है। और एक साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है, 10 साल 20 साल वही काम कर रहे हैं। ऐसे में अपने अंदर क्या इंटरेस्ट क्रिएट करें कि जब सुबह मैं उठूँ तो मुझे ऑफिस जाने का मन करे? हर एक जॉब में ये प्रॉब्लम है, जॉब मोनोटोनस, और ये स्ट्रेस का एक वन ऑफ द मेन रीजन है हर एक में जी। अब मेरे को लगता है एज ए डॉक्टर, हम भी जाते हैं हॉस्पिटल, जाते हैं पेशेंट हमारे साथ जो काम करने वाले हैं वो तो सेम है, पेशेंट डिफरेंट है, पर सुबह उठकर मुझे खुद को कहना पड़ता है कि आज का दिन अगर मेरे पास है तो क्या नया करना है, और आज का दिन भगवान ने दिया है मुझे गिफ्ट, तो मुझे क्या ऑफिस में कुछ नयापन लाना है जी। मेरे को खुद को ही चार्ज करना पड़ेगा सुबह उठकर, क्योंकि जब तक हम जो कर रहे हैं उसको प्यार नहीं कर रहे हैं तो जॉब मोनोटोनस में स्ट्रेस आएगा। तो जो भी हम कर रहे हैं उसको 100% प्यार करें, कि जो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, रोल प्ले कर रहा हूँ, उसको अगर 100% करना है तो उसको मैं
कनेक्ट होकर करूँ। सपोज मैं अभी एक क्वेश्चन एज अ यंगस्टर मैं पूछना चाहूंगी कि मेरा जॉब मुझे पसंद ही नहीं है, अब मुझे फिर भी जॉब पे जाना है। कई बार होता है इंटर्नशिप कर रहे होते हैं हम, तो इंटर्नशिप में जॉब कर रहे हैं रोज जाने हैं लेकिन मन नहीं है, तो प्यार कहाँ से क्रिएट होगा? वो तो क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस क्या है आपके हाथ में, या तो जॉब करें या छोड़ दें। अगर करना है मुझे तो मुझे उससे प्यार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद का कुछ क्रिएट करूं, अगर मेरे पास कैपेसिटी है तो। अगर वो कैपेसिटी नहीं है तो उसको तो मुझे कनेक्ट होना ही पड़ेगा और कुछ अपने को सजेशन देने पड़ेंगे जॉब में जाने के पहले। अच्छा, कि मैं जा रहा हूं और मेरे को इंजॉय करना है, अलग अलग लोगों से मिल रहा हूं, तो एक इमेजिनेशन करके मैं फिर जाऊंगा। करेक्ट, तो तब जाके उससे मैं कनेक्ट हो पाऊंगा। करेक्ट। अब सेकंड चॉइस है कि आप खुद का करें जो आपको करना है। कई लोग करते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर लाइफ में, और फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, तो अपनी क्रिएटिविटी भी करते हैं, इनोवेटिव भी रहते हैं, पर वो तब पॉसिबल है जब आप इंडिपेंडेंट हो। जी। अगर आपको उसको करना ही है तो कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा उसमें। जी भाई जी, अक्सर ऑफिसेस में देखा गया है कि मैं एक एम्प्लॉई हूँ, मेरे ऊपर एक नहीं कम से कम 7-8 बॉसेस काम कर रहे हैं, वो सब अलग अलग ओपिनियंस वाले हैं, वो मुझे अलग अलग काम दे रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता कि मैं किसकी सुनूं, किसकी नहीं सुनूं, और किसी एक की सुनूं तो दूसरा नाराज हो जाता है, क्या करें? आंसर आप ही बताएंगे किसका सुनना चाहिए। इसमें क्या है, मल्टीपल लीडरशिप में जी, एक तो हर एक का अपने को पर्सनालिटी का मालूम होना चाहिए। ओके। वो मेरे से क्या अपेक्षाएं कर रहा है पर्टिकुलर व्यक्ति, और उसका कैरेक्टर क्या है, क्योंकि हर एक का ईगो भी सेटिस्फाई करना है। तो मैं अगर बीच में हूँ और मल्टीपल लीडर हैं, तो मुझे प्रायोरिटी देखना पड़ेगी कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, वो मेरे को पहले करके देना है। सुनना तो है, पर उसमें से कौन सा अप्लाई करना है पहले, वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। मेरा कॉन्शियस क्या कह रहा है कि ये इम्पोर्टेंट ए है, फिर बी है, फिर सी है, और उनको भी मैं कन्वे करते रहूँ। जितना मैंने देखा कि जितना हम बड़ों को कम्युनिकेट करते रहते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस हमारे लिए रहता है कि ये करेगा। ओके। पर क्योंकि कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, जितना हम उसको कन्वे करते जाएंगे, अश्योरेंस देंगे, उतना वो हमारे लिए फेवर में आते जाएंगे, और धीरे धीरे वो लोग भी समझेंगे कि इसका नेचर क्या है। क्योंकि उनको भी समझना है कि जो मैं हूँ मेरी पर्सनालिटी क्या है, और मेरे को भी समझना उनकी क्या है जी। तो फिर जो हमारा बिहेवियर पैटर्न है और इंटरेक्शन है वो इजी रहेगा जी। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि दो बॉसेस ही हैं लेकिन वो दोनों की बनती नहीं है, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तो दोनों में से एक के, मतलब दोनों के बीच में मैं शायद ऐसे सैंडविच बन गई हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो एक काम देते हैं और दूसरा बोलता है ये काम नहीं करना है, तो अपना क्या ऐसा रोल हो मेरा जिससे दोनों कन्विंस हो जाए? अब दो हैं ए और बी जी, और दोनों के अंडर मैं हूँ जी, फिर वही हमें रोल प्ले करना पड़ेगा। सुनना तो है और दोनों का काम करना है, पर वही मेरा कॉन्शियस मेरा क्या कह रहा उस समय, प्रायोरिटी क्या है, वो मुझे करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों का मन मुटाव है, पर दोनों को मेरे को अलग अलग इंटरेक्ट करना है। अच्छा, तो दोनों के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट बनाना तो पड़ेगा। ओके। क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग अलग है, तो मेरे को जानना पड़ेगा ए की क्या है, बी की क्या है। हर एक का एक वो रहता है, एरिया रहता है जहाँ वो कंफर्टेबल रहता है, और वो हमें पहचानना पड़ता है कि उसका वो कंफर्ट जोन क्या है, और उसमें रहकर हमें उनसे एक्ट और इंटरेक्ट करना पड़ता है।
ये धीरे धीरे आता है, जिसको हम लोग कहते हैं परखने की शक्ति। और एक बार ये आ गई परखने की शक्ति, किससे मेरे को कैसे बिहेव करना है, चाहे वो मेरा छोटा वर्कर है या सीनियर है, तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और वो लोग हमसे खुश रहते हैं जी। और मेन है उसमें उनको हम एश्योर करते रहे, क्या जिसको हम कहते हैं डायलॉग करते रहे। करेक्ट, जितना डायलॉग हमारा अच्छा होगा उनमें विश्वास आ जाएगा, फेथ आ जाएगा, ट्रस्ट आएगा, क्योंकि ऑफिस का वातावरण पूरा ट्रस्ट पर चलता है। अच्छा, ट्रस्ट है तो काम होगा, मेरे को काम दिया गया और सीनियर का ट्रस्ट मेरे ऊपर है, एक बार बोल दिया तो उनको लगना चाहिए कि ये कर ही देगा। ओके, उनको एक भी डाउट आना नहीं चाहिए। तो ट्रस्ट क्रिएट करना पड़ता है धीरे धीरे। करेक्ट, वाइल वर्किंग जी। भाई जी, कई बार ऐसा होता है कि एज अ बॉस मैं कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आता हूँ, ये वन ऑफ दी जूनियर इज बेटर, ये बेटर है, इससे सीखो, तुम इसके पास जाओ इससे सीखो, या तुम सही काम नहीं कर रहे हो, तो ये कंपैरिजन करना क्या ये सही है? क्या ये बेटर करेगा, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, क्या ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन को बेटर फील कराएगा? जहाँ तक है, एक अच्छा जो बॉस होता है कभी भी कंपैरिजन आमने सामने नहीं करे। जैसे घर में भी क्या होता है, दो बच्चे हैं, अगर मदर फादर बार बार कंपेयर कर रहे हैं कि ये बच्चा ठीक है तू नहीं करता है, तो देखा गया उससे न्यूरोटिक प्रॉब्लम आ जाते हैं बच्चों में, हीनता की भावना आ जाती है, इन्फीरियरिटी आ जाती है। तो सामने नहीं करें, हेल्दी भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मोटिवेशन के लिए ठीक है कि कुछ बोल रहा है, पर ओवर करेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा। तो केवल मेरे को जो लगता है आज के समय में कंपैरिजन करना बहुत हेल्दी नहीं रहता है, क्योंकि हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है और हर व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट है, यूनिक है। तो उसका वे ऑफ वर्किंग, उसका वर्किंग स्टाइल, उसकी कैपेसिटी अलग है, तो ये हमें समझना पड़ता है और उस समझ के आधार पर हमें उनको काम देना पड़ता है। Okay. कि इसकी कैपेसिटी इतनी है, इसकी इतनी है जी। तो वो बॉस का काम है। कंपैरिजन इसलिए नहीं करें क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है, डिफरेंट है। करेक्ट भाई जी, ये चीज़ और ज़्यादा देखी गई है कि सपोज मैं एज अ जूनियर मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो बॉस है वो मुझे लाइक नहीं करते, वो मुझे किस पर्सपेक्टिव से गलत मैं अपनी मेहनत से डबल ट्रिपल काम कर रही हूँ एक दिन में, लेकिन उनको मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती, और जब भी मेरी रिपोर्ट बनानी होती है एंड ऑफ द मंथ, तो वो रिपोर्ट में जानबूझ करके वो ये लिखते हैं कि मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये काम नहीं किया, जबकि उनका भी जो काम होता है वो मुझे थोप देते हैं वो, और फिर एंड में मेरा जो ग्रेड आया वो सी आया, तो मैं क्या करूं? क्योंकि मैं ना मैं जॉब छोड़ सकती हूं, ना मैं उस सीनियर के साथ झगड़ा कर सकती हूं, ना मैं उसे ये बोल सकती हूं कि भाई आप ये मेरे साथ क्यों कर रहे हैं, कुछ नहीं कर सकती मैं क्या करूं? बड़ा डिफिकल्ट है कि क्या करें। एक तो हम उसको रोज शुभ भावना देते रहें, घर से निकलने के पहले उसको गुड विशेस देते रहें। भाई जी, वो मेरे साथ बुरा कर रहा है, मैं उसको हाँ देते रहें, यही तो मेन टेक्निक है। इवन जो नेगेटिव कर रहा उसको भी मैं दे रहा हूँ। अच्छा। वही डिफिकल्ट टास्क है। और फिर उसके साथ डायलॉग करते रहो, एफर्ट करते रहो, कभी ये नहीं सोच लें कि ये ऐसा ही है। ओके। उसमें भी परिवर्तन तो आएगा। और अपना काम करते रहें, डेफिनेटली करते रहें, क्योंकि आपने कहा चॉइस नहीं है, छोड़ नहीं सकते, रहना भी वहीं है, तो कंटिन्यूस एफर्ट करते रहें और गुड विशेस देते रहें, डायलॉग करते रहें, कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा। हर व्यक्ति का एक समय रहता है और हर व्यक्ति हर समय पर नेगेटिव नहीं रहता। करेक्ट, कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन आता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, बिहेवियर ही ऐसा है कि वो पैटर्न उसके चेंज होते रहते हैं। तो उसको हमें समझना पड़ता है कि उसकी क्या परिस्थितियाँ हैं। करेक्ट, और उसको एक्सेप्ट करके डायलॉग करते रहें।
ठीक है भाई जी। भाई जी कई बार ऐसा होता है कि मैं नए जॉब पे गई हूँ, मैंने पुराना जॉब छोड़ दिया, अब मैं नए जॉब पे गई हूँ, पूरे नए माहौल, सब नए लोग, नया बॉस, नए कॉलीग्स, मुझे कोई नहीं जानता वहाँ पे, मैं कैसे अपने आप को उस सिचुएशन में फिट इन करूँ कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पे एडजस्ट हो जाऊँ। जनरली हर ऑफिस में, जैसे कॉलेजेस में होता है, हम जब नए कॉलेज में जाते हैं, सीनियर लोग हमसे मिलते हैं जी, और सीनियर लोग बताते हैं हमें कई चीज़ें। मेडिकल कॉलेज में भी मुझे याद है, हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, पहली बार जाते हैं तो सीनियर हमें बताते हैं क्या करना है। करेक्ट। ऐसे हर ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे लोग तो होते ही हैं जो आपको गाइड करते हैंगे। फिर हमें भी खुद को देखना पड़ता है धीरे धीरे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर क्या है, वातावरण क्या है जी। और उसको समझकर साइलेंट में फिर हमें एक्ट करना शुरू करना। पहले कुछ दिन ऑब्जर्वेशन करें साइलेंटली, हर एक को देखते रहें, और मनुष्य में इतनी कैपेसिटी है, जब वो ऑब्जर्वेशन करता है तो हर एक के नेचर को वो पकड़ सकता है। और फिर धीरे धीरे जब ऑफिस का कल्चर उसको पता लग जाता है तो उसके अनुसार वो एक्ट करता है। और अगर कुछ पूछना है तो ज़रूर है कि वो फिर डायलॉग करे, कम्युनिकेशन करे, जो भी उसका नेक्स्ट सीनियर है, हर एक का एक नेक्स्ट सीनियर होता है, सुपरवाइजर, उससे वो अच्छा बना कर रखे, उसको कॉन्फिडेंस में ले ले, तो वो उसको पूरा गाइड करता रहेगा। भाई जी मैं एज अ काम कर रहा हूँ, एज अ जूनियर वहाँ पे काम कर रहा हूँ, बट मेरे जो कॉलीग्स हैं वो हर कोशिश कर रहे हैं मेरी काम बिगाड़ने के लिए। उनको क्या मज़ा आ रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। कई बार मेरे फाइल्स को चेंज कर दिया जाता है, कई बार मेरे डेटा को डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं उनसे बेटर हूँ, इसीलिए ये सारी तरीके वो हथकंडे अपना रहे हैं मुझे नीचे गिराने के लिए। ये भी एक ह्यूमन नेचर है पुल करने का। और जैसा आपने बताया, जब उनको पता लगता है कि ये बेटर है मेरे से, तभी दूसरों में इन्फीरियरिटी आता है, इनसिक्योरिटी आता है। करेक्ट। तो ऐसा करें, हम डायलॉग करते रहें, उनसे बात करते रहें, और अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाते रहें जी, वाइब्रेशन भी क्रिएट करते रहें। क्योंकि आजकल ये नया फंडा है कि जितना हम एनर्जी क्रिएट करते जाते हैं वातावरण में, तो वो उनके नेचर को भी चेंज करता है। अच्छा। और उनसे हम घबराएं भी नहीं, डरें भी नहीं, अपना काम तो करना है, डिटैच ऑब्जर्वर की तरह रहें। क्या मैं कंप्लेन कर दूं जाके बॉस को? मैं कहूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन तो रहेगा नहीं। अच्छा, ओके। एक बार बता दिया बॉस को कि ऐसा है, पर बार बार ना बताएं। अच्छा। एक अगर बॉस एक्ट करता है उस पर तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो आप उनसे दोस्ती, फ्रेंडशिप बना कर रखें, चाहे वो कितने भी नेगेटिव हों, उनसे हम जितना अच्छा वार्तालाप करेंगे तो वो हमारा धीरे धीरे परिवर्तन करेगा। जैसे मैंने बताया कि हर एक का नेगेटिव पैटर्न रहता, हर एक का पॉजिटिव रहता, तो कईयों में बचपन से वो पैटर्न गए होते हैं, क्योंकि उनमें डर आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है, तो उसको हम समझते हुए हमें एक्ट करते जाना है। थोड़ा इग्नोर भी करना है, बाईपास भी करना है, और अपने को डेवलप भी करना है। हम लोग ABCD कहते हैं। ABCD का ए का अर्थ है या तो एक्सेप्ट करें या अवॉइड करें। ओके। बी का अर्थ है बाईपास करें। सी का अर्थ है चेक करें अपने को और चेंज करें। डी का अर्थ है डिटैच रहें, और ई का अर्थ है उनके बिहेवियर्स को एंजॉय करें। ओके। अलग अलग पैटर्न है ना। मैंने कहा ना कि ऑफिस हो या हॉस्पिटल हो, हम हॉस्पिटल में कितना प्रॉब्लम आता है। करेक्ट। रिसेप्शन है, आया बाई है, नर्सिस है, डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, हर एक का अपना अपना एक पैटर्न रहता है। करेक्ट। और हमें उनके पैटर्न को समझकर चलना पड़ता है, क्योंकि काम हर एक को इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। एक हमें ये सीखना पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई इम्पोर्टेंट है।
और ये देखा गया कि जब हम उनसे कंटिन्यूअस कनेक्टिविटी रहती है, ये मैंने एक सीखा एज ए लीडर, अगर आप कनेक्टेड हो हर व्यक्ति से तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ जाएगा। हर एक को गुड मॉर्निंग किया, चाहे वो लिफ्ट वाला है, सफाई वाला है, हर एक से बात की, तो वो लोग आपका काम करते रहते हैं। कनेक्टिविटी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई जी। कनेक्टिविटी का आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों रिलेशनशिप रखे वहाँ पे ऑफिस में? जनरली होता ही है, दोनों होते हैं, फॉर्मल भी रहता है इनफॉर्मल भी होता है। काम कराना है तो फॉर्म तो रहना पड़ता है, पर जब वर्किंग कल्चर अभी फ्री बैठे हैं यार, खाना खा रहे हैं, लंच पर हैं, तो उस समय हम इजी होकर उन लोगों से बात करें, उस समय सीनियर जूनियर नहीं रहेगा, उस समय हम सब एक हैं। पर जब काम करा रहे हैं तो थोड़ा फॉर्म तो रहना पड़ेगा जी। क्योंकि इतना भी ढीला नहीं हो जाए कि वो काम ही नहीं करें। Correct. तो उनको क्लियर कट मैसेज भी जाना चाहिए कि वर्क इज फर्स्ट, और वर्किंग कल्चर हमारा है एक ऑर्गेनाइजेशन का जी। वो उसकी ड्यूटी रहती है बॉस की। अच्छा। कि फर्स्ट डे वो क्लियर कर दे कि ये हमारा कल्चर है और इसको आपको मेंटेन करना है जी। तो वो अगर कन्वे करता है, कम्युनिकेट करता रहता है, तो वो वातावरण बना रहता है जी। भाई जी, भाई जी एक और चीज़ नोटिस की गई है कि जैसे आजकल का ट्रेंड हो गया है ऑफिसेज में प्ले का एरिया होता है, बैडमिंटन कोर्ट्स बना दिए गए हैं, वहाँ पे पिज्ज़ा कॉर्नर्स बना दिए गए हैं, वहाँ पे टीवी तक रखा गया है, सब कुछ रखा गया है, ताकि ये क्यों होता है? क्योंकि रिफ्रेशमेंट के लिए रखा होता है। और एक और चीज़ नोटिस की गई कि जो सक्सेसफुल ऑफिसेज हैं वहाँ पर ये सब सबसे ज़्यादा है, ऐसा क्यों? ये क्या रहता है, ब्रेक डाउन करने के लिए होता है। जो माइंड सेट एक काम कर रहा है कंटिन्यूसली, और ये देखा गया है कि जब हम कंटिन्यूस अपने ऊपर वर्कलोड लेते हैं, हमारा थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज कम होते जाते हैं, क्योंकि मोनोटोनस हो गए। तो अब क्या करते हैं कि ये थोड़ा समय 2-3 घंटे के बाद मैं जाकर पिज़्ज़ा कॉर्नर गया या बैडमिंटन खेला जी। तो मेरा जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। यहाँ तक मैंने देखा कई कॉलेजेस में अब एक रूम बनाया गया है और उस रूम को कहा गया इनोवेटिव रूम। उसमें जाकर स्टूडेंट कुछ भी कर सकता है और प्रोफेसर को कुछ नहीं कहना है उसमें। जो वो बच्चा कहेगा वो प्रोफेसर कहेगा यस डू इट। तो उससे उसको फ्रीडम मिलती है अंदर की, क्योंकि सबसे बड़ी फ्रीडम हमें चाहिए इनर फ्रीडम हमारी थिंकिंग की, और अगर वो हमें मिलती रहती है तो हमारे पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। करेक्ट। तो ये जनरली अभी कई कंपनीज में आया जैसा आपने बताया जी। और जहाँ तक मैंने भी सुना कि उन लोगों को कभी कभी वेकेशन पर भी भेजते हैं। हाँ, पेड वेकेशन। एग्जैक्टली, कि आप जाओ पर सोचना, बट थिंक। तो वो वेकेशन पर जाएगा, पुरानी पैराडाइम से दूर होगा, तब उसमें नया आइडिया आएगा। क्योंकि जब आदमी अंदर से फ्री होता है तो उसके जो पैटर्न है सोचने के वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो ये एक नया कल्चर है, हम सभी देख रहे हैं, शायद बेटर ही है क्योंकि उसके ऊपर जो लोड आ रहा है जी। वो कम हो जाता है। बिल्कुल। नहीं तो आप जैसे बता रहे थे कि 9 to 5, अब 9 to 5 आ गए, वही का वही करना है, तो मोनोटोनस हो जाएगा, तो स्ट्रेस आएगा ही आएगा जी। तो कहीं ना कहीं उसको ब्रेकडाउन देना है, चाहे 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। ये दूसरे देशों में काफ़ी आया है। अच्छा। हाँ, वहाँ उनको देते हैं कि थोड़ा टाइम अब टेबल से हटकर कहीं और जाकर रिलैक्स करिए। पर हमारे यहाँ अब धीरे धीरे आ रहा है, कंपनीज में आ रहा है जी। बिल्कुल ठीक कहा भाई जी आपने। जब हम बात करते हैं जॉब्स की, उसके अंदर में कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, लेकिन उसका सल्यूशन भी हमारे ही हाथ में है। अलग अलग प्रॉब्लम्स का अलग अलग सल्यूशंस आपने मुझे आज बताया, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? जब हम बात करते हैं ऑफिसेस की,
हम सोच करके डर जाते हैं कि वहाँ पे इतने सारे बॉसेस, इतने सारे लोगों के बीच में हमें रह करके और फिर अपने आप को प्रूव भी करना है और सक्सेसफुल एम्प्लॉई बनना है। लेकिन आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि ये इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। ये भी उसी तरीके आपकी जो फैमिली में आप जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तरीके ढूंढते हैं, वही सेम तरीके आपको वहाँ पे भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पे भी लोगों को रिलेशनशिप में समझ करके उन्हें बांधने की ज़रूरत है। फिर आप देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी और आपके ऑफिस का माहौल भी आपके परिवार जैसा ही हो जाएगा। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान। ओम शांति। Thank you.